देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 130,713 हो गई है, तो वहीं एक्टिव केस के कुल संक्रमण का 0.30% हो गए हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मामले थम नहीं रहे, आए दिन कोविड के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नई दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वो दिन दूर नहीं जब देश में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात निर्मित हो जाएंगे। आपको बता दें कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर से कुल 16,678 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 26 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।